बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम भैन भाई, मेहनत करना ठीक ठाक हो, सो जिथे रहो हस्ते मसाते रहो, साढ़िया दो नाल है। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, अल्लाह पाक किसी चीज़ दिन थोड़ देवे। अल्लाह ने याद करके आए थे ब्लॉग का करते पे आगाज़। सुबह सुबह उठे नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम जा रहे हैं जी अपने घर। घर जाके बच्चों उठाने, बच्चों उठा के तो फिर ना मस्जिद निकलने, बच्चे ना मस्जिद निकल के ना और अपने ना तंदूर शंदूर के रह गए ना, इतों सफाई सफुई काफ़ी मारने हैं और टोटल ही ना कि रह गए ना इतों सफाई सफुई मार के ना और बच्चे हपे ही ना रेडी हो के जा रहे हैं। चलो 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 बुआ मैं दे ले से, चलो नस के चलो। और बच्चे काफ़ी ना और भी जा रहे हैं मस्जिद, चलो रल जाओ ना बच्चे ना। काफ़ी सारे ना वो तो पिछले पिंड च बस ना दे भी ना निकल रहा है और बड़ी ना हरियाली हरियाली ना नज़र आ रही तुहानू, क्योंकि ना अजी धुंद पै रही वो दूर तक नज़र पै रही कि मैं ना त्रेल पई हुई ना धुंद पै रही। सुबह सुबह ना माशाल्लाह किन्नी ही प्यारा मंजर बने होया, हरियाली हरियाली किन्नी प्यारी नज़र आ रही। और सारिया फसलों ने टोटल दी इधर मक्की मक्की हैगी, दूर दूर तो नज़र मारोगे सारी मक्की मक्की। ओ देखो काफ़ी त्रेल ही पई हुई है जी, सारी दूर तक नज़र मारोगे ना त्रेल भी पई हुई है। साढ़े को ना सर्दियाँ बस आ चुकी हैं, हाँ जी तेना बच्चे तो गए मस्जिद पा के बेगम साहब ना सुबह सुबह उठी नमाज पढ़ के ना अपना दूसरा ना बर्तन बुर्तन किट धोना सो धोते सो उस तो बाद ना आटा जल्दी जल्दी ना गुन रही है कि चल ना सुबह तो पहले पहले ना, हाँ भी सुबह सुबह ना पहले ये कर लवेंगे अज और ना मिट्टी भी गोनी है और कुटने भी है जी ना तंदूर भी लिमने, क्योंकि ना अल्लाह पाक रोज़ी देगा इन शाला तला, क्योंकि सुबह सुबह ना काम सौखा हो जाता और परी केड़ी है ना सुती हुई हैगी अजी तक ना सो रही हैगी। चलो तुसी कर लो बच्चे ही आना आए बस, और बच्चे ने ना छुट्टी होगी तो अली तो बिलाल आ रहे हैं कोई वो सामने घर चले गए जी, कुछ बच्चे ना दूसरे निकलने लग गए बाहर। काफ़ी सारे बच्चे माशाल्लाह पढ़ते गए तो मस्जिद वो वाले ना और चार पाँच जी पिछों ना निकलने लगे। हाँ जी पढ़े आयो, चलो रोटी शोटी खाओ ते अपने अज इतवार है छुट्टी ने तुसा जाना कौन स्कूले आ दनाओ दो ते दिल ला के पढ़िया करो। बस सही इवें पढ़िया करो। और कबूतर भी ना सारे कढ़ दिता सी बाहर, काफ़ी ना खूबसूरत लग रहे है सारे ना इंजॉय कर रहे हैं, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं उत्ते बैठे है। ऐ आला ना बिल्कुल ना दो नपरी ना पिछे ले जाता। हाँ जी तेना बेगम साहबा ना रोटियां पका रही और असा ना अज प्याज कट्टे है जी, प्याजों के बेच ना अंडे पा के ना खावे और बच्चे भी ना बच्चे रोटी देती अली नू भी बिलाल नू अंडे ना खानी, अली अंडे ना खावेगा बिलाल तो खाँदा चाह ना बहन नाल ना वो तो परी तो नाल ही खाँदी, उठ जा बई हाँ परी ना बिलाल दे नाल ही खाँदी है। और केड़ी हैगी ना रोटियां कुछ बेगम से पका ली एक ही ना बस रह गई सी, क्योंकि ना गैस तो होंदा ना तो काफ़ी आसानी होगी करनी सी, गैस हैगा तो वह चुल्हा ना आस्ते आस्ते इन शाला तला ना अल्लाह किमें गुंजाइश देवेगा ना चुल्हा ले लवेंगे, क्योंकि फिर ये मुश्किल ही नहीं बननी क्योंकि ना हाँ थले डिग गई। हाँ जी तेना प्याज वाला अंडा ना असा उत्ते तवे देना पाता है, क्योंकि ना वो दूसरा ना थ्राई बेन च बनावेंगे, क्योंकि ना ये फिर ना इनका धुआं बहुत होता सारा ना काला हो जाएगा। हाँ जी जी उनके ते ना वो फिर काला नहीं होता थले, इनके ते ना ये फिर धुआं बहुत होता है लकड़ा का उनकी वजह ना काला हो जाएगा। अद्धा बेगम सभा बना लिया और अद्धा ना बच्चों वास्ते, क्योंकि अली बिलाल तो रोटी खा चुके चाहे नाल परी तो दोवें रल के खा कौन दे
कामा ना खाओ भाई ना खाओ, पर एक ऊपर आवाज दो मैं दोनों गतना मोर रोटी कहाँ ही ना काफ़ी वेरे थे ना टुकर बोर के स्टींदे ना सारे परिंदे देख लो आ जाते ना इस टाइम टोटली। तो बिलाल खा ली तो अली और ठड्डी ठड्डी खा रहे क्यों मट्टी मट्टी क्योंकि ना अंडे ना खाने से अंडे ना खाने तो सा चला वो तुहाडा बन रहा अंडा बस अद्धा मेरा हो गया तो अद्धा परी का हो गया तो अद्धा ही अली का हो गया बिलाल तो खाता नहीं। हाँ जी तेना मिट्टी केड़ी ना रही सी क्योंकि रात को यह अली ना मैं गोली सी रात को क्योंकि ठंडा ठंडा माहौल होता है अली ना कुटा रह गई सी मैं कुछ लग काफ़ी ना मुश्किल क्योंकि ना ये पक्की बहुत हाँ जी तेना मिट्टी करी ना टोटल मैं कुट ली और ये हल जब तेल ही हूँ ना मिट्टी हाली ना चुक के उत्थे सुट देना क्योंकि बेगम साहबा ना आसानी ना ना उसे सिर्फ लिंबड़े ही इसो क्योंकि इन्हें दो तंदूर लिमेड़े मसे दो तंदूर लिंबड़े क्योंकि ना फिर अल्लाह पाक रोजी देसी को तंदूर विकण गए तो साडा सरकार का सरकट चलता रहे तो ये साडा मोर रोजी हैगी किधर इतने इंशाल्लाह ताला बाहर सब्जी की शॉप घड़ी ना वो मैं पा लगा उ फिर अल्लाह पाक ना रोजी उदू दिखी रखेगी को ना तंदूर देख गया कभी कभी उदू ना अल्लाह पाक देगा रोजी और ये वाला काम मैं घड़ा ना कर लिया सारा टोटल अभी देना मिट्टी घड़ी ने कुट ली और बेगम साहबा ने शॉपर खिला रही कितने मिट्टी सटनी है ना क्योंकि ना बारिश करी ना कल नहीं हुई सी हल्की हल्की ना कणियाँ पी बारह कर दें फिर ठंडा माहौल बन जाना सी हूँ जरा ना गर्मी काफ़ी है और ना हम देखा सब बन गया फिर मिट्टी डोल देना किस टाइम उतरी पहले की छा आई ना वो सिर तू लेंगे लेंगे चलो पहले ना मैं हाँ जी तेना मिट्टी कुट ली और मिट्टी उत्थे सुट ली सी और बेगम साहबा ना काफ़ी बच्चों के कपड़े रेंदे से इतवार से कड़े ना खराब से उ और मैं कड़ा हूँ सूट पाई फिर सी वह भी दो दिते से और पट्टू भी छिपरा भी अपना तो कड़े रेंदे से अपने भी कपड़े उन्हें दो रही हैगी मेरे सलवार रही सी अपने ना उतले कपड़े ला के वह भी दो लेकर भी ना सुबह सुबह ना भी चल कड़ी हैगी ना वो दो लवेंगे तो बाद ना बाद ना भाई वाले ना कि तंदूर है ना वो लिंब लो तो मैं चल बच्चा नवा लें तो कपड़े धो लें बच्चे इतने नुकसान जा हाँ जी बिल्कुल तंदूर लिंब लो इस काका भी इदे बंदा है जी तो कपड़े नहीं है तां करके ना परा बंदा है तो और ना बस ये काम मुकम्मल कर ले सी ना क्योंकि ना ये पिछे धुप का काम है इतने ना सुकने पा जिसने सुक जावेंगे वो फिर उत तंदूर की उत्ते छां आ जाएगी उद्दे भी सुखियाई हो जाएगी तकरीबन बस एक अपना सूट रह गया मेरा तो काफ़ी दो ही ले सो बस। हाँ जी तो मिट्टी भी कुट ली मैं बे भी ली और तंदूर की मिट्टी उत्थे सुट भी ली बेगम साहबा ना काफ़ी कपड़े पे सी बच्चों के ना अले परी दे बिलाल दे अली दे और मेरे भी सूट है सी तो और अपना भी सूट सी ओ क्योंकि ना धुप ते ना सुक जाएगी इतने तार से जल्दी जल्दी ना ना कि दौर ही हैगी क्योंकि अज ना थोड़ा जि टाइम लग जाना क्योंकि ना अगे तो ब्रश ना धोते सी ना सी क्योंकि एक सिस्टर ने सानू मशवरा दिता सी अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे अल्लाह पाक उनके कारोबार बरकता पावे कि सानू इन्ने प्यारे प्यारे मशवरे दें नहीं धोने चाहिए तकरीबन ना अस एक घंटा पहले ना बट्ठल के ना डबोते सी सरा पा के ना क्योंकि कोई मैल या कोई हों ना दाग दूग वो बेचना सारा ठीक हो जाता क्योंकि वो नरम होया पे होंदा फिर ना हत्था नाल ना हाथ ना रगड़ रगड़ के ना हाथ ना धोसो ना तो कपड़ा कितने साल तगना है ना उत्थे ये ब्रश ना साल तगेगा तो इन हाथ ना धोवेगे तो इंशाल्लाह ताला चार पाँच साल की साड़ी गरंटी होगी क्योंकि ये ब्रश ना अद्धा कपड़ा घस जाता है तो इस तरीकों ना ब्रश ना कपड़ा ये हत्था ना ब्रश घसना नहीं तो इस गल बेगम साहब ने मैं क्या है तो सा ना इस तू अगर हाथ ना कपड़े धोने ब्रश ना नहीं धोने है।
क्योंकि ना इस तरीके ना बहुत अच्छा मशवरा दें अल्लाह पाक उनका जिंदगी करे, अल्लाह पाक उनके कारोबार बरकत पाई जाए, इतना कुछ होवे उनको मुक्कन की चीज़ ना थोड़ हो। और साढ़े गरीबों दियो दवाई होंगे जट्टा मौलों दियाँ साढ़े असं किमें दवाई दें अल्लाह करेगा तो इन शाला तला लगन भी गई तो दिन रात असं तो दवाई याद रखने पाइया भैन सारे ही भी क्योंकि साड़ी बहुत अच्छी अच्छी ना कमेंट भी प्यारे प्यारे करते हैं और वीडियो भी एंड तक वेखते हैं सू वॉच टाइम ही लगता है तो और साढ़े ना मोनीटाइज भी हो भी क्योंकि ना डालर जुड़नगे तो फिर तनख्वाह मिलेगी तो हाँ तो करके ना सैलरी आँगी तकरीबन एक दिन एक डालर तो आ ही जाता ना काफ़ी एक पूरी वीडियो अच्छी चल जाए ना तो एक डालर आ जाता है तो ज़्यादा चले तो इस गलों बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं भाइयों भैनों का जो सू इतनी सपोर्ट कर रहे हो तो इतना साढ़े नामुन कर रहे हो असी दुआई करने भाइयों भैनों जितने सू वेखन वाले इन्ना बहरले मुल्क ये तो साढ़े मुल्क बहुत असी दुआई भैन भाइयों करने हैं तो और बेगम साहब ना बस कपड़े धो लेन उस तो बाद ना सारे ना तंदूर लिंबेगी उत्तों तक छां भी आ जाएगी पौधे की तो सुख्याय भी हो जाएगी फिर तो मैं आप ही कपड़े धोई रखने से इतना मुश्किल नहीं करता मैं मशीन सटने गेड़ा ला के बस ना रगड़ रुगड़ के ना धो ले करने से अल्लाह पाक गुंजाइश देगा तो इंशाल्लाह ताला ना मशीन भी ले लवेंगे फिर बेगम साहबान ना सुखियाई होगी करनी क्योंकि घर का काम यह कर लेकर सी कपड़े ना मैं धो ले करांगा कपड़े अगे माशाल्लाह मैं भी काफ़ी दिन धोंदा रहा तो बार ये है भी मेरे को काम काफ़ी होंदा हाँ काफ़ी क्योंकि ना माशाल्लाह अगे ना तबीयत ठीक है काफ़ी सारी ने भाई डॉक्टर की अच्छी दवाई मिल गई उन्होंने फर्क हैगा कोई हल्की हल्की खांसी हैगी नहीं तो यह सारा दूसरा मैं कर लेना सारा ही तुम वेखते हो काम धंधा ना काफ़ी मैं करना तो यह फिर ना इनका काम ही होंगे रोटियां पकाना या कपड़े कुपड़े धोने बोखर बूखर सारा कुछ मैं मार लिना हाँ जी तेना कपड़े बेगन साहब ने धो ले सारे ही और मैं भी ना ना धो के ना कपड़े नवे पा ले सी क्योंकि ना काफ़ी काम किया और ना तंदूर ना ये भी लिंब ले सी तो वही धो क्योंकि ना बाबी जान ने हेल्प कराती सी क्योंकि ना दोवें जाने ना बाबी जान तो उन्हें ना लिंब ले आसानी बन गई क्योंकि सिर्फ दो ही लिंबे ने दो हले दो होंगे है बाबी दे हले दो साढ़े है हले यह भी बाबी का खड़ा है ये भी बस सुखा खत्ता उन्हें किसे कटावे तो और काफ़ी खड़ा है ना सारा टोटल ही ना कम बेगम साहब ने सफाई माशाल्लाह काफ़ी कर दी हुई है सारे ना बिल्कुल ही ना चमक रहा है जी साड़ी तंदूर फैक्ट्री हाँ जी तो ना बेगम साहब भी वेली हो के ना ना दो के तो हूँ इतने आग बह गए क्योंकि चार पाइया कर दी तो और बच्चे ही ना पढ़ रहे हैं तो नाल पढ़ी भी ना पढ़ रही है काका पढ़ता पिया काका भी ना और ना सारा टोटल ना काम कंप्लीट करके और बेगम साहब ना चूल्हा भी ना नया कड़ाएगा सी ना नया और ना थोड़ा जी उत्ते मिट्टी ला के ना तैयार कर ले क्योंकि अगला साडा ना सारा टूटा फुटा हुआ सी नवा बनाया छो अच्छा फट्टी भी नवा बनाया छो मिट्टी ला के काका कह रहे जी नवा बनाया छो ना बनाया इन्हें मिट्टी लाई ने उत्ते सोनी कहाँ लाई कहाँ मिट्टी अम्मी लाई है ते तू ला लवे नहीं अम्मी लाई मिट्टी कहाँ लाई है अम्मी लाई है मिट्टी काका कह रहा है जी अम्मी मिट्टी लाई है तो सोना चूल्हा बाल है सो केड़ा बच्चा साडा जी सियाना है जी माशाल्लाह इधर आ जाओ तो अम्मी को आ जाओ तो और की पकाना की सब्जी लाव आलू गोभी चलो आलू गोभी लैने हाँ ए आलू गोभी पकाविए कि आलू पालक आलू गोभी आलू काका कह रहा जी आलू आलू ही पकावे जी चलो जी मैं लै आना सब्जी हाँ जी बच्चे तो कह रहे हैं जी आलू खाने हाँ लै उस ते अली बिलाल कह रहे हैं आलू पालक हाँ आलू पालक कौन नहीं लिया दे से इंशाल्लाह अल्लाह के जैसे में देगा ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जी में करेगा ना ले आओ वीडियो जी बिल्कुल और भाई माशाल्लाह काफ़ी ना साड़ी सपोर्ट कर दे अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी करे अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार बरकता पावे किहड़ा साडे वास्ते ना तुसीं इतना कुछ सोचदे हो असीं यकीन कर अट्ठे टाइम दुआएं याद रखने भाइयां भैणां नूं तो साड़ी अच्छी वीडियो लगे और तुसी ना कमेंट करके जरूर दस्या करो भी साढ़े ना इतने गलती है या इतने नहीं है
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।